नमस्कार आपनाक स्वागतम आपनी साय से न्यूज कैन मैं जयंत माधव गोस्वामी और प्रतीक्षार अंत लोरिंगठेपीत उपस्थित हल भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदीक आदरणी जनाले राज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित जनता करमर्दन कर प्रधानमंत्री मोदी मोदी आगमनक उत्तप्त परिवेश लोरिंगठेपीर आकलम और यह परिवेश मुहूर्त आम देखाई आपना पांच लक्षाधिक जनतार समावेशे उत्तप्त परिवेश ऊर हजारों अधिक शिल्पी दले आदरणी जाना भारत प्रधानमंत्रीगढ़ शांति से कोशों दूर ये इलाका था और आज जब देश के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं समुद्र परिणत और इस इलाके के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है क्योंकि शायद ही पिछले एक दशक में एक ऐतिहासिक दिन बोली आज क्या विशेष स्वास्थ्य खंड तथा उत्तर पूर्वांचल स्वास्थ्य खंडर ऐतिहासिक दिन हिसाब से अभिहित कर कारण सरकार और टाटा ट्रस्टर जुटिया उद्योगत एकलगे सतनक कर्कट रोग चिकित्सा प्रतिष्ठान आज मुक्ति कर प्रधानमंत्रीगढ़ समानक आन सत कर्कट रोग चिकित्सा प्रतिष्ठान आधारशिला स्थापन कर प्रधानमंत्रीगढ़ इं प्रथम कार्यसूची डिफुट कार्बी आंगलंगत तीनखनको शिक्षा प्रतिष्ठान आधारशिला स्थापन कर और तार पिछते आढ़ई बजा डिब्रुगढ़ उपस्थित हम प्रधानमंत्रीगढ़ और इतिम्ये डिफुट लोरिंगठेपीत उपस्थित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक विशाल जनसमुद्र आज परिवेश देखने पा लोरिंगठेपीत तो आप देख सकते हैं विशाल जनसमूह यहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और पारंपरिक अंदाज में प्रधानमंत्री का यहां पर स्वागत किया जा रहा है। असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू से हम ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। असम के नॉर्थ कचार हिल्स का ये इलाका है और जिस तरह का जनसमूह यहां पर आपको दिखाई दे रहा है वो अपने आप में बयां कर रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां पर लोगों के अंदर उत्सुकता है और किस तरह की खुशी है। ये जो पारंपरिक नृत्य हैं असम के वो ये बताते हैं कि किस तरह की खुशी वहां पर है। अभी कुछ ही समय बीता है जब रोंगाली बिहू का समय असम में बीता है और ये एक ऐसा समय होता है। और आइए अब हम आपको सीधे या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिफुट उपस्थित हर मुहूर्त हरफुल्लास देखिबले पुआ होइसे हरफुल्ला सर्वत्रे जनसमुद्रर मजत हरफुल्ला करमर्दन करिसे समर्थकसकलक अनुरागीसकलक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीये कण कण शिशुसकलক करमर्दन करिसे व्यापक उत्साह उद्दीपनापूर्ण एटा परिवेश उत्सवमुखर परिवेश विराज करिसे विशाল আয়োজন প্রধানমন্ত্রীগৰাকীক আদৰিবলৈ বিশাল আয়োজন আর অভিলেখ সৃষ্টি করে এক লাখ রাষ্ট্রীয় পতাকায় প্রধানমন্ত্রীগৰাকীক ডিফুট আদরণি জনা হয়েছে। ওঠর হাজার পাঁচশোগী জনগোষ্ঠীয় শিল্পীয়ে আদরণি জনাইছে প্রধানমন্ত্রীগৰাকীক আর এয়া প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে মঞ্চৰ পৰাই অভিবাদন গ্রহণ করেছে। বিশাল জনসমুদ্র পাঁচ লক্ষাধিক জনতার সমাগম আৰু কিছু সময় পিছতে জনতাক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু এই স্থানৰ পৰাই কাৰ্বি আংলঙৰ তিনিখনকৈ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাৰ্বি আংলঙত এখন কৃষি মহাবিদ্যালয়, কাৰ্বি আংলঙত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, কাৰ্বি আংলঙত চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উপস্থিত আছে রাজ্যপাল প্রফেসর জগদীশ মুখী, মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতাকে ধরে বিজেপির একাংশ নেতা মন্ত্রী উপস্থিত আছে এই বিশাল জনসভাত। ইয়া জনসমুদ্রের মাজত হরফুল্লাস উৎসবমুখর পরিবেশ দিপুত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি কে উপস্থিতি নে ইসি শান্তি একতা আর উন্নতি কে নয় যুগ কো দিশা প্রদান কি হাম উনকা जोरदार तालियों से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अब हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन
और स्वागत सम्मान करने जा रहे हैं। मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री तुलीराम रोंघांग जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अभिवादन करें। ये भेंट की जा रही है कार्बी परंपरागत बैग जारोंग माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं, साथ ही माननीय तुलीराम रोंघांग जी भेंट कर रहे हैं कार्बी परंपरागत कैप। भेंट की जा रही है कार्बी परंपरागत जैकेट चॉय और ये माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं कार्बी परंपरागत जाम्बली अथॉन, साथ ही भेंट की गई है कार्बी पोहो। धन्यवाद महोदय। अब मैं आग्रह करती हूँ कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य माननीय श्री तुलीराम रोंघांग जी से कि वे स्वागत भाषण प्रदान करें। काटोम नमस्कार नमस्ते जुठाई जिसुनारा सॉन्ग मिथिला सेवक खोलम्बाई मिनिली तमंग बंग काचिंग हो नाई निंगा चेथे नाई पील थे मंगा चेथांग प्लोप इले तम कारी ब्यांग लौंग अफूर के मौलौंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाय के बांग इले तम का दो था इले तम रिचार टैप सिनांग लंगली फान कार्चो लासी नरेंद्र मोदी के हाय लापेन के आसाम गवर्नो इले तुम लोग नाचे तोंग नुंदो लापेन आसाम चीफ मिनिस्टर लापेन के आसाम असेंबली लॉन्ग डिप्टी स्पीकर इले तुम कचिंग हनाई कार बिरिचो लापेन के मिनिस्टर के है के दोन लापेन के स्पीकर डिप्टी स्पीकर का मिलांग तोनमास काउंसिल लापेन के एमएलए के है तुम लापेन के दाग नीलोंग काम नंग चेरा बंद पेट कार बियांग ऑटोनोमस काउंसिल ईएमएमसी के दौरान लापेन के कार बियांग लोंग पेन अटोकनो पेन के बैंग ए पो फोरन ए पाया फोरन सार पी सार फो रिसो ए जांग की बी की थी लापेन के जिरपो जिरपी अप्रांग सिनांग लेतो मापान काटोको ए फंदा नरेंद्र मोदी फन कारचो लासो कारचो लासो माइन लोंग नाइ चेतोंग आना तुमा फान निंगा क्लोंग पेन सूरी सूरी आकार डोंग पाजे गलो पिनी लामदोन का चेतोक केनएलएफ पीडीसी के यूपीएलए के पीएलटी सोंग ट्रो का सोप सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्नमेंट पेन लामदोन चेतोक के पेन अभी पिनी लासो लामदोन अतेंग पेन कपी चुंजिया फानिर तोम नरेंद्र मोदी के हाय इलेक्ट्रो मलंग वाइंगलो respected world most popular prime minister adoraniya narendra modi ji honorable governor of assam and nagaland professor jagadish mukhi ji honorable chief minister of assam dr himanta biswa sarma ji respected karbi king karbi richo all honorable ministers honorable mp honorable mla honorable speaker deputy speaker all elected members of Karbi Anglong Autonomous Council, all dignitaries present here, and my dear friends, extending a hearty welcome to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, I am short of words to express gratitude to him for coming to Karbi Anglong to be with us today. This is a historic day, indeed. For his words and deeds greatly inspire us. I also welcome the Honorable Governor of Assam and Nagaland, Professor Jagadish Mukhi ji. I also welcome once again the most smart, prasin, praigya, aur rang birangi lok sanskriti se samrit Karbi bhumi mein
मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन से एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को सही दिल से असम का ये पवित्र भूमि में, कार्बी अलंग का ये पवित्र भूमि में स्वागत करता हूं। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने लिखा था, कार्बी माने पहाड़, आंगलोंग माने मानु, कार अर्थे पोहर आरो बी माने कर्म, कर्म। कार्बी जातिर आदर्श होल कर्म माने धर्म। श्रद्धा राइज, आज आमार बाबे एक अत्यंत गौरव दिन जे भारत सरकार अहम सरकार उद्योग कार्बी आलंग छयटा उग्रपंथी संगठन लगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियार आशीर्वाद जो सेप्टेम्बर माह कार्बी शांति चुक्ति स्वरित कार्बी शांति चुक्ति स्वरित हर पिछत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय ऐक्य शांति और विकास समावेश आमार मजल जोग दी आज दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय प्राय 220 कोटी टकारे मांजात एखन पशु चिकित्सा महाविद्यालय प्राय 200 कोटी टका बेरे पश्चिम कार्बी आलंगत एखन कृषि महाविद्यालय आरो 43 कोटी टका बेरे ओम पेनाइट सरकारी महाविद्यालय आधारशिला स्थापन करिब। 2014 सनर परा ए कार्बी आलंगत उन्नयन नतून शिखर लई जाबर बाबे राज्य सरकारे काम करी आहिसे। डिफुट मेडिकल कॉलेज, कार्बी आलंगर स्टेट यूनिवर्सिटी आरो कार्बी आलंगत नतून विमान बंदर ए गुटे बिलाक कार्बी शांति चुक्तिर अधीनत राज्य सरकारे सम्पादन करिबो। श्रद्धा राइज, आजिर दिनटो आमार बाबे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आरो आजिर दिनटो कार्बी आलंगर इतिहासे सदा स्मरण करिबो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हमारी सरकार ने असम के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण की योजना भी बनाया है। आज दीफू में माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेगा। आजादी का 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर राष्ट्र को समर्पित एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस अभियान के तहत पानी की हर बूंद को बसाने और हमारी जलाशय को पुनर्जीवित करने के लिए असम में लगभग 3000 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक सरोवर को 1 वर्ग हेक्टर भूमि में निर्माण किया जाएगा। अमृत सरोवर से जुड़े प्रत्येक ग्रामीणों की पर्याप्त पानी मिलेगा। मत्स्य पालन में वृद्धि होगी और वृक्ष रोपण के जरिए परिवेश भी सुरक्षित होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महात्मा गांधी एनरेगा, असम सरकार की समग्र ग्रामीण विकास योजना, ये सब कार्यक्रम को एक जगह में लाया जाएगा और ये अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को ये आश्वास देना चाहता हूँ कि कार्बी जनता और असम का जनता, ये जो आपने हमको शांति दिया है, ये शांति हम मिल के बरकरार रखेगा और असम को भारत का एक प्रगतिशील और विकसित राज्य तक पहुंचाते रहेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ। 2014 के बाद आपने उत्तर पूर्व में त्रिपुरा में ब्रू एकॉर्ड किया, फिर बाद में असम में बोरू एकॉर्ड किया, NLFTA का एकॉर्ड किया और आज आप कार्बी आलंग में एकॉर्ड किया और साथ साथ में आप असम का धरती से 60% एरिया से डिस्टर्ब एरिया आइन और आम्फो स्पेशियल एक्ट को भी आपने उठा लिया और असम में एक विकास का एक नया शुरुआत किया। प्रधानमंत्री जी, आपका आशीर्वाद असम का जनता का साथ बना रहे, आपका मार्गदर्शन हमें हर दिन मिलते रहे, ये मैं कामना करता हूँ। एट लास्ट मैं रंगबंग तेरंग जी का
एक छोटा सा कविताओं से मेरा वाणी को विराम देता हूँ। तिमिरा स्वर्ण एक कार्बी आलंगत पोहर बिलाओ आमी पोहर बिलाओ जुग जुगल अज्ञान राक्षसिक ज्ञान प्रदीपेरे विनाश कराओ कार्बी कसारी डिमासा रेंग मारे अहमियाई खीर उजलाओ खेउजी पृथ्वी खेउज मनेरे कार्बी आलंगत पोहर बिलाओ अंधेरे से घिरा ये कार्बी आलंग इसको रोशन करे हम रोशन करे हम युग युग का अज्ञानी रूप से राक्षस को ज्ञान के दीपक से विनाश करे हम कार्बी कसारी दीमासा रेंगमा से असम मातृभूमि का शीश उज्जवल करे हम इस हरी भरी धरती में उज्जवल मन से कार्बी आलंग को रोशन करे हम कार्बी आलंग और राइज बहुत खरु खरु राज्य नथका आज डांगर विकास कार्बी आलंग कार्बी आलंग भरते एन जाकत जिलिका जिला और जाकत जिला जिलिका अंचल रूपान्तर कर मोर एक कब भारत माता के नरेन्द्र मोदी नरेन्द्र मोदी नरेन्द्र मोदी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुशल नेतृत्व ने हमारे राज्य को चारों दिशाओं से उन्नति में तीव्र गतिमान बनाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, स्वतंत्रता के 75वें साल के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से असम सरकार जल संपदा संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 अमृत सरोवर के निर्माण की पहल की है, जिसका शुभारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होने जा रही है। इसी परियोजना के ऊपर आधारित एक खस्व चित्र अब आपके सामने प्रस्तुत है। भूजल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। देश के स्वप्नदृष्टा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शिता नेतृत्व एवं अथक प्रयास से अटल भूजल योजना नमामि गंगे जल जीवन मिशन कैच द रेन जैसे निरंतर प्रयासों के साथ आज देश में जल संरक्षण का विषय एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मिशन अमृत सरोवर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जल संरक्षण के विजन और संकल्प को मजबूती देने वाला अहम कदम है। आजादी के अमृत महोत्सव की याद में हमारी भावी पीढ़ी को कुछ देने के संकल्प को पूरा करने के लिए हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने और संकल्प को दृढ़ता के साथ कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही है मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना और मीन विभाग के संयुक्त प्रयासों से सफल कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा भी विकसित की है। ये परियोजना किसानों, महिलाओं और आम आदमी के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगी। असम मॉडल में एक हेक्टेयर में मत्स्य पालन के साथ साथ व्यवसायिक वृक्षारोपण की 3 परतें, एक वॉकिंग शेड और घेरा लगाने का व्यवहार करो। अटक के खबर और खतेज।